नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में कनाडा के एक फ्यूचरिस्टिक शहर को दिखाया जाता है। उस वक्त कनाडा की आबादी बहुत बढ़ चुकी होती है, इसीलिए किसी को भी एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी होती है, चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना गया हो। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाती थी, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ी जेल बनाई गई थी। इस जेल का नाम फोर्टेज होता है। इस फिल्म की पूरी कहानी इसी जेल के आसपास रहती है। अब जॉन और कैरन को दिखाया जाता है। जॉन एक फौजी होता है। जॉन और कैरन टैक्सी से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर बहुत हाईटेक सिक्योरिटी थी। कैरन ने एक मैग्नेटिक बेल्ट पहन रखी थी। असल में कैरन प्रेग्नेंट थी और ये उसका दूसरा बच्चा था। वे दोनों इस बच्चे को किसी भी हाल में पैदा करना चाहते थे, इसीलिए वे कनाडा से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे दोनों बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो एक प्रेग्नेंट लेडी पकड़ी जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखकर कैरन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैग्नेटिक बेल्ट की वजह से वे सिक्योरिटी मशीन को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। अचानक से एक फौजी की नजर कैरन के मैग्नेटिक बेल्ट पर पड़ जाती है। वे दोनों पकड़े ही जाने वाले थे कि उन दोनों में से जॉन कैरन को भगा देता है और कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इन फौजियों को रोकने की कोशिश करता हूँ। जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन को उसी फोर्टेज नाम की खतरनाक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये जेल रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बनी थी। इस जेल से किसी का भी भाग जाना नामुमकिन था। जब सारे कैदी नीचे पहुंचते हैं तो उनको सबसे पहले पूरी तरह से नंगा करके उनकी तलाशी ली जाती है। उसके बाद उनके मुंह के जरिए उनके पेट में एक हाईटेक ट्रैकर डाल दिया जाता है। अगर कोई भी कैदी जेल के बनाए नियम को तोड़ता है तो ये ट्रैकर एक्टिवेट होकर कैदी के पेट को फाड़ देता था। डायरेक्टर पो को बताता है कि कोई भी कैदी इस येलो लाइन को पार करेगा तो उसके पेट में जोर का दर्द होगा। अगर वह इस रेड लाइन को पार करेगा तो उसका पेट धमाके से फट जाएगा और वह मारा जाएगा। एक कैदी उस पर विश्वास नहीं करता और वो येलो लाइन को टच कर देता है, जिससे कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। गलती से वह रेड लाइन को भी टच कर देता है, जिसकी वजह से उसका पेट धमाके से फट जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। सारे कैदी बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी कैदी एक लिफ्ट के सहारे नीचे जाते हैं। उनका असली ठिकाना जमीन के 30 मंजिला नीचे होता है, जहां जेड नाम का एक एडवांस रोबोट उन पर नजर रखता है। उसके साथ नीनो नाम के कैदी को लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात डीडे और अब्राहम से होती है। उनके सेल के आगे लेजर बीम लगी थी। अब्राहम उन्हें चेतावनी देता है कि गलती से भी कोई लोग सपना मत देखना। वे लोग नहीं समझ पाते कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। असल में यहाँ सपना देखने की भी इजाजत नहीं थी। जेड नाम का ये रोबोट उनके दिमाग को स्कैन करके उनके सपने पर भी नजर रखता था। रात को सोते वक्त जॉन सपने में कैरन को देखता है। तभी वहाँ जेड आ जाता है और जॉन के दिमाग को स्कैन कर लेता है। इधर पो भी जॉन के सपने को देख लेता है। सपने में वो कैरन को देखता है। कैरन को देखकर पो की नीयत खराब हो जाती है। पो जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है। जॉन को पेट में तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन जेल का काम करते वक्त मैडॉक्स नाम का एक कैदी नीनो से गलत व्यवहार करने लगता है। तब जॉन नीनो को बचाने के लिए मैडॉक्स से लड़ने लगता है। तभी वहां पर जेड आ जाता है। वे उनके अंदर लगे डिवाइस को एक्टिवेट करके लड़ाई रोक देता है। बाद में उन्हें एक छोटे से लेजर रूम में खड़े करके उनसे पूछताछ की जाती है कि इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी। नीनो मैडॉक्स से डरता था, इसीलिए वह चुप रहता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन सारा इल्जाम अपने नाम ले लेता है। जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया जाता है। जॉन देखता है कि पो कैरन को नहाते हुए देख रहा है, तो उसे बताता है कि कैरन को भी जेल में डाल दिया गया है। पो जॉन और कैरन दोनों को टॉर्चर करता है। दोनों पेट दर्द से तड़पने लगते हैं। बाद में अब्राहम जॉन को बताता है कि ऊपर के दोनों फ्लोर पर औरतें हैं, कैरन भी वहीं पर होगी। अब कैरन का सीन दिखाया जाता है, जो कि दूसरी प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ थी। अचानक जेल के कुछ लोग कैरन के साथ वाली लड़की को ले जाते हैं। वहाँ सभी लड़कियां प्रेग्नेंट थीं। कैरन को लगता है कि यहाँ पैदा हुए बच्चों के साथ जरूर कुछ किया जाता है। इधर मैडॉक्स बदला लेने के लिए जॉन पर अटैक कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। ऊपर के फ्लोर से कैरन भी उन्हें लड़ते हुए
देख लेती है। एकाएक जॉन मैडॉक्स को नीचे की तरफ फेंक देता है। मैडॉक्स किनारे को पकड़ लेता है। ये सब पो अपने ऑफिस में देख रहा होता है। पो जॉन को ऑर्डर देता है कि मैडॉक्स को नीचे गिरफ्तार करके खत्म कर दो, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है, जिस पर पो मैडॉक्स का ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट करके उसे खत्म कर देता है। जॉन सबकी नजर बचाकर मैडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस उठाकर नीनू को दे देता है। इधर कैरन को जॉन के सामने लाया जाता है, जो कि एक खास कमरे में बने गोले में कैद होता है। ये एक स्पेशल चैम्बर था जो कैदियों के दिमाग को स्कैन करता था। कैरन को वहाँ जॉन को समझाने के लिए भेजा गया है। कैरन को वहां से ले जाया जाता है, जिसके बाद उस मशीन को ऑन कर दिया जाता है जो जॉन के दिमाग से खेलने लगता है। 3 दिन बाद वह कैरन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है कि अगर वह जॉन को छोड़कर उससे शादी कर लेती है तो वह जॉन और उसके बच्चे दोनों को छोड़ देगा। ना चाहते हुए भी कैरन राजी हो जाती है। इसके बाद जॉन को छोड़ वापस बैरक में भेज दिया जाता है, लेकिन जॉन पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। वे कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसे किसी किस्म का दर्द भी नहीं हो रहा था। कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक दिन कैरन देखती है कि पो एक चेयर पर बैठा था और उसके शरीर से कई सारी तारे जुड़ी हुई थी, जहाँ ये पता चलता है कि उसे मॉडिफाई करके एडवांस इंसान बना दिया गया है। उसकी खुराक सिर्फ अमीनो एसिड थी, जिसे महीने में एक बार लेना पड़ता है। पो को नींद भी नहीं आती थी, ना ही वह कुछ खाता पीता था। यहाँ पर नए जन्मे बच्चे के साथ भी यही किया जाता था, जिससे कि वह एक एडवांस सोल्जर बन सके। 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जॉन के हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इब्राहिम बताता है कि उसकी पत्नी का पेट अब बड़ा होने लगा है, जल्द ही उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन कुछ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी दिन कैरन पो को खूब शराब पिलाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह कंट्रोल पैनल के सहारे जॉन के सपने में जाती है, जहां बचपन में वह एक गड्ढे में गिरा होता है। कैरन उसके सपने में जाकर उसे उसी गड्ढे से बाहर